हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ली पनीर, जो कि सबका फेवरेट होता है और उसको बनाना बहुत इजी और आसान होता है। चलिए देखते हैं उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, एक ठो कैप्सिकम, थोड़ा विनेगर, बड़ा साइज में कटा हुआ प्याज, थोड़ा लहसुन अदरक और एक ठो हरा मिर्चा, थोड़ा ड्राई चिल्ली पाउडर, टमाटो सॉस, सोया सॉस और थोड़ा कॉर्नफ्लावर, उसको मैरिनेट करने के लिए पनीर को, स्वाद अनुसार नमक और ज़रूरत के हिसाब से तेल। चलिए पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए हम पनीर के ऊपर थोड़ा कॉर्नफ्लावर लेंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ा चिल्ली पाउडर, देखिए उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जैसे कि ये चारों तरफ पनीर का चारों तरफ अच्छे से लग जाएगा। देखिए हमारा पनीर अच्छे से मैरिनेट हो गया है और उसको साइड में रखते हैं। फिर हम गैस के ऊपर एक पैन गरम करते हैं। देखिए हमारा पैन अभी गरम हो गया है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालते हैं पनीर को फ्राई करने के लिए। हम यहाँ पर देखिए हमारा तेल अभी गर्म हो गया है, हम उसके ऊपर एक एक ठो पानी डाल देते हैं उसको थोड़ा फ्राई करने के लिए। हम यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं। देखिए अब हमारा नीचे की तरफ से हो गया है, अब इसको हम पलट देते हैं। देखिए हमारा पनीर अभी दो साइड से हो गया है, अब हम इसको एक एक प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए पनीर अब हम निकाल दिए हैं। यहाँ पर हम लहसुन अदरक और ग्रीन चिली को डाल देते हैं और उसको थोड़ा फ्राई होने देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा लहसुन अदरक थोड़ा फ्राई हो गया है, यहाँ पर हम जो प्याज को काट के रखे थे उसको डाल देते हैं और यहाँ पर हम कैप्सिकम भी डाल देते हैं। देखिए अब हमारा कैप्सिकम और प्याज मिक्स हो गया है और इसको थोड़ा देर के लिए कवर कर लेते हैं और उसी टाइम के अंदर हम जो ग्रीन चिली रखे थे पाउडर और जो रेड चिली का पाउडर, उसमें थोड़ा पानी डाल देते, पानी घोल के रख देते हैं एक साइड में। देखिए हमारा अभी प्याज और कैप्सिकम थोड़ा नरम हो गया है, यहाँ पर हमें ग्रीन कैप्सिकम यूज़ किया है, आप चाहे तो येलो और रेड कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम सॉस डाल देते हैं और सोया सॉस भी डाल देते हैं और चिल्ली पाउडर जो हम पानी करके रखे थे उसको भी डाल देते हैं और थोड़ा नमक, नमक थोड़ा देख के लगेगा, सोया सॉस में भी नमक होता है। हम यहाँ पर थोड़ा पानी दे देते हैं, अगर आप इसको सूखा रखना चाहते हैं तो यहाँ पर इतना ही पानी दीजिएगा, अगर इसको थोड़ा पानी रखना चाहते हैं तो और थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर हम थोड़ा विनेगर जो रखे थे उसको भी डाल देते हैं और इतना ही कॉर्नफ्लावर को हम थोड़ा सा पानी में मिक्स करके अच्छे से एक घोल बना लेते हैं और उसको भी यहाँ पर हम डाल देते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर जो छान के रखे थे पनीर उसको डाल देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अब हमारा चिली पनीर हो गया है अच्छे से और उसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए हमारा गर्मा गर्म चिल्ली पनीर बनके अब रेडी है, इसको आप रोटी, चपाती, नान के साथ खा सकते हैं और बहुत टेस्ट लगता है उसके साथ।
इसको आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।